अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल खान, दुबई यूएई से। नाजरीन, आज मैं आपको बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग, सूफी शायर, उनका एक शेर सुनाऊंगा और पहले मैं आपको उसका साथ मीनिंग भी बताऊंगा, क्योंकि शेर ये सैफुल मुल्क उनकी किताब है तो उसमें सारी पंजाबी में है, पंजाबी लैंग्वेज में है, और बहुत सारे जो अल्फाज उन्होंने यूज़ किए वो आज नहीं हैं। तो उनका शेर सुनाऊंगा और उनकी जो भी सूफिया कराम गुजरे हैं उनकी हर बात का मतलब जो है वो बड़ा गहरा होता है, बहुत गहराई में होता है और फॉर एवर होता है। अब ये आप सुनिए उनका शेर। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आप देखें ये दिल की आंखें खोल के और असली आंखें खोल के देखें इसमें क्या गहराई है। और इसके बाद कहते हैं, अब ये अल्फाज आज दो नहीं है इसमें, दीगर ते दिन आया मोहम्मद, मोहम्मद अपने आप को उनका नाम मोहम्मद मियां मोहम्मद बख्श साहब। अब दीगर पुरानी आज भी शायद कहीं इस्तेमाल होता है, दिन चढ़ता है, सूरज आता है, हम कहते हैं दिन चढ़ गया। और 3-4 बजे जो आती है, जो असर की नमाज का या नमाज नहीं भी जो पढ़ती, तो उस असर के टाइम का जब एक हिस्सा दिन का बाकी रह जाता है तो डीगर उसे कहते हैं, पुरानी पंजाबी आज भी इस्तेमाल होता है डीगर। डीगर ते दिन आया मोहम्मद, ओड़क नू डूब जाना, यानी आम आदमी जो होता है जो देखता है सुबह दिन चढ़ा, दोपहर हुई, फिर ढलने का टाइम आ गया, तो एक टाइम आता है डीगर, तो डीगर पे आके और डूब जाने तक, डूब कौन जाता है, सूरज डूबने का, तो उसमें 1 घंटा मेरा ख्याल होता है, 1.5 घंटा 2 घंटे लगा ले। तो ओड़क कहते हैं हुने ही, मतलब पंजाबी में हुने ही। डीगर ते दिन आया मोहम्मद, ओड़क नू डूब जाना, डीगर पे दिन आ गया है, और ये उर्दू में कह ले हिंदी में अभी ये डूब जाएगा, कौन डूब जाएगा, सूरज डूब जाएगा। तो जब डीगर पे आता है तो फिर बंदे के पास या उस दिन के पास दिन थोड़ा रह जाता है। तो इन्होंने दुनियावी हिसाब से भी और वैसे भी कि बंदे की अगर डीगर पे दिन आ गया उसका, उसने सारी जिंदगी बिता ली मोस्टली मैक्सिमम, तो वो फिर अभी थोड़ी देर में ओड़क नो डूब जाना, अभी थोड़ी देर में डूब जाना बंदे ने, मर जाना है। तो शेर मैं दोबारा सुनाता हूं। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन आया मोहम्मद, ओड़क नो डूब जाना। तो ये सबक है कि उनका तारीखी सबक है कि दुश्मन कोई मर गया, आप बंगड़े डाल रहे हो, आप खुशी मना रहे हो, तो भाईजान सजना ने भी मर जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक है। तो इसको मैं इस शेर को आपको सुनाता हूँ। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी
मर जाना दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर ते दिन आया मोहम्मद दीगर ते दिन आया मोहम्मद ओड़क नू डूब जाना दीगर ते दिन आया मोहम्मद ओड़क नू डूब जाना दिस इज लेसन बड़े लोगों का लेसन है उनके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं थे कोई तफरीक नहीं थी इंसानियत के लिए उनका उनका पोइट्री उनका कहना उनका मानना उनका बोलना उनका लिखना सब इंसानों के लिए था कोई उसमें तफरीक तुम मैं फलाना फलाना नहीं था तो बड़ा खूबसूरत ये कलाम है दुश्मन मरे ते खुशी न करिए सजना भी मर जाना दीगर ते दिन आया मोहम्मद ओड़क नो डूब जाना अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़